उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शनिवार को हुई अतीक अहमद की हत्या के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, लेकिन सवाल इस बात पर है कि अतीक अहमद के आखिरी कुछ घंटों में थाने से लेकर अस्पताल तक क्या क्या चीजें हुई थी। प्रयागराज के स्थानीय सूत्रों और पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसे हम आपको विस्तार से बताते हैं। अतीक अहमद को पुलिस हिरासत में लेने के बाद प्रयागराज के धूमनगंज थाने में रखा गया था। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अतीक अहमद को शाम के वक्त नहाने के लिए पानी दिया गया था। उसने अपने बेटे के जनाजे के बाद तमाम रस्मों को पूरा करा, उसके बाद नहाकर कपड़े चेंज किए। शाम करीब 6:30 बजे धूमनगंज थाने में एक स्कॉर्पियो और 2 जीप लगाई गई। इस स्कॉर्पियो में कोई नंबर नहीं था। शाम करीब 7:55 पर अतीक और अशरफ एक छोटी सी जीप, थाने की जीप और बिना नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी से जीटी रोड पर निकल गए। इसके बाद इन दोनों के साथ मौजूद पुलिसकर्मियों ने 2 किलोमीटर दूर कटहुला इलाके के जंगलों में अपनी गाड़ी रोकी। यहां पर एक मकान से 2 पिस्टल और 5 विदेशी कारतूस बरामद हुए। रात करीब 8:35 पर अतीक और अशरफ पुलिस वालों के साथ थाने में वापस आ गए। इसके बाद अतीक और अशरफ को खाने के लिए कुछ चीजें दी गई और फिर इन्हें मेडिकल कराने के लिए रवाना कर दिया गया। रात करीब 9:58 पर 2 जीप और स्कॉर्पियो से पुलिसकर्मी अतीक और अशरफ को लेकर कॉल्विन अस्पताल के लिए रवाना हुए। इसके बाद 10:37 पर अतीक अहमद का काफिला अस्पताल के गेट पर रुका। अतीक के गाड़ी से उतरने के बाद पुलिसकर्मी उसे लेकर अंदर बढ़े। 10:38 पर अतीक अहमद और मीडिया के बीच कुछ बातचीत हो ही रही थी कि फायरिंग हो गई। 44 सेकंड के शूट आउट में पहले अतीक अहमद और उसके बाद अशरफ अहमद को गोलियां मारी गई। इसके बाद 3 हमलावर जमीन पर लेट गए, उन्होंने सरेंडर कर दिया, नारे लगाए और उसके बाद पुलिस इन्हें तुरंत गाड़ी में डालकर मौके से भाग निकली। रात करीब 11 बजे घटनास्थल पर मीडिया की भीड़ जुटने लगी। अतीक अहमद और अशरफ के शव को उठाया गया, स्ट्रेचर पर दोनों को रखकर स्वरूप रानी अस्पताल के मर्चरी में शिफ्ट किया गया। इसके बाद घटनास्थल सील हो गया, तमाम तरीके की चीजें बरामद की गईं, फोरेंसिक विभाग की टीम को बुलाया गया। 11:30 बजे प्रयागराज शहर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। सीएम योगी ने लखनऊ में मीटिंग्स बुलाई और इस तरह अतीक अध्याय का अंत हो गया। अब इस पूरी घटना को लेकर उत्तर प्रदेश में कई सवाल हैं। अतीक अहमद और अशरफ अहमद के शव का पोस्टमार्टम हो रहा है, इसके बाद इसे दफन कर दिया जाएगा, लेकिन यह हत्या क्यों हुई इसके राज इस घटना के साथ दफन नहीं होंगे। जांच होगी जिसके लिए 3 सदस्यीय जुडिशियल कमीशन का गठन किया गया है। घटना के बाद क्या होता है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन ये जरूर है कि इस पूरे दुस्साहसिक कांड ने प्रयागराज की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।